भगवान गणेश को मोदक बहुत ही पसंद है, इसलिए गणपति बप्पा को मोदक का भोग लगाया जाता है। ये महाराष्ट्र की एक लोकप्रिय मिठाई है, जिसे गणेश चतुर्थी के मौके पर महाराष्ट्र के हर घर में बनाया जाता है। लेकिन समय के साथ मोदक भारत के कई हिस्सों में बनाया जाने लगा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संजना, संजना क्रोसे में आपका स्वागत है। मोदक कई तरह के बनाए जाते हैं, लेकिन आज जो मैं मोदक की रेसिपी लेके आई हूँ वो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाए जाने वाला चावल के आटे का मोदक है, जिसे स्टीम करके भी बनाया जाता है और फ्राई करके भी। तो आज मैं आपको दोनों तरह की रेसिपी बताने वाली हूँ। तो हम रेसिपी बनाना शुरू करें उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं मोदक की रेसिपी। मोदक बनाने के लिए ये हमने फ्रेश नारियल लिया है और इसको अब हम घिस लेते हैं। तो ये देखिए, हमने सारे नारियल को घिस लिया है और मोदक जो है एकदम फ्रेश नारियल का ही अच्छा बनता है। तो आप फ्रेश नारियल ही यूज करें ताकि मोदक जो है टेस्टी बने। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं अब हम। तो सबसे पहले हम नारियल को भून लेते हैं और ये देखिए कढ़ाई जो है गर्म हो गया है और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी और इसमें डाल देंगे हम 1 कप घिसा हुआ फ्रेश नारियल और इसे हम थोड़ा भून लेंगे। गैस के फ्लेम को हम मीडियम लो रखेंगे और उस पर ही हम लोग इसको भूनेंगे। तो नारियल को ज़्यादा भूनना नहीं है, तो ये भुना चुका है और इसमें अब हम डाल देंगे गुड़ है 1/2 कप। 1 कप नारियल में 1/2 कप गुड़ डालेंगे और इसे भी अच्छे से भूनेंगे। गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने देंगे अभी हम। तो ये देखिए नारियल जो है अच्छे से भुना गया है और गुड़ डाल के नारियल को 10 से 15 मिनट भूनना है, ताकि गुड़ का जो फ्लेवर है वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए नारियल में और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इसमें अब हम डाल देंगे इलायची पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए ये मिक्स हो गया है अच्छे से। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देंगे। तो अब हम पैन में 1.5 कप पानी डालेंगे और साथ ही इसमें हम डाल देंगे नमक, 1 चम्मच घी और हम गैस ऑन कर देते हैं और इसको हम उबलने देंगे अच्छे से। तो ये देखिए पानी जो है उबल गया है अच्छे से और अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप चावल का आटा और हम गैस बंद कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें। तो ये देखिए मिक्स हो गया है ये और इसको अब हम ढक देंगे, इसे 10-15 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। तो 10-15 मिनट हो गए हैं और ये चावल का आटा जो है नॉर्मल हो गया है, ज़्यादा गर्म नहीं है ये। इसको अब हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे और इसको गूंदना है। चावल का आटा जो है थोड़ा भी गर्म है तो ये हाथ से भी नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम गिलास से अच्छे से इसको हम मसल देंगे। तो ये देखिए ये अच्छे से मैश हो गया है और इसको जितना आप मैश करेंगे उतना ही अच्छा मोदक बनेगा। जब ये हल्का गर्म रहता है तभी इसको ऐसे मसल ले, उससे होगा क्या कि आपका मोदक जो है वो फटेगा नहीं और काफ़ी चिकना भी रहेगा। तो ये हो गया है और इसको अब हम हथेली से मिक्स करेंगे।
ये देखिए हथेली पे ये चिपक रहा है, तो थोड़ा सा हाथ में पानी लगा लेंगे। तब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए ये बढ़िया से मिक्स हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए आटा जो है अच्छे से गूंदा गया है और ये देखिए कितना सॉफ्ट हुआ है ये। तो इसको अब हम अच्छे से मिक्स करके इस पे हम डाल देंगे घी। और इसको हम गीले कपड़े से ढक देंगे। आपके पास कॉटन का जो भी कपड़ा होगा उसको आप गीला करके ढक दीजिए इसको। तो चलिए अब हम मोदक बनाते हैं। तो इसको हम देख लें एक बार, इसको थोड़ा और मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये मिक्स हो गया है। तो आइए इसको हम चेक कर लेते हैं कि आटा अच्छे से गूंदाया है कि नहीं। तो एक छोटा सा हम ऐसे पेड़ा जैसे बनाएंगे, ये देखिए, और इसको हम ऐसे ऐसे दबाते जाएंगे। तो ये देखिए फटा नहीं है, इट मीन्स कि ये परफेक्ट है। तो इसका मोदक जो है बहुत ही अच्छा बनेगा और वो फटेगा भी नहीं। तो चलिए अब हम मोदक बनाते हैं। ये हमने मोल्ड लिया है और ये जो है मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा, किसी बर्तन के दुकान में या किसी भी दुकान में मिल जाएगा ये। तो चलिए इसको अब हम बेसिंग कर लेते हैं। इसमें अच्छे से घी को लगाना है। इसको हम बंद कर देंगे। अब हम टमाटे की लोई लेंगे और इस तरह से इसमें हम इसको भरेंगे। इसको अच्छे से दबाना है और दबाते हुए इसमें एक होल बनाना है। ये देखिए, और थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसको निकाल लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ये लेंगे नारियल, इसको इसमें हम भर देंगे। ये देखिए, और इसको अब हम ढक देंगे। ये देखिए ये अच्छे से हो गया है और इसको अब हम खोलते हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट बना है। इसी तरह से हम सारे मोदक को बना लेंगे और एक प्लेट में निकालते जाएंगे। तो ये देखिए मोदक बनकर तैयार हो गया है और इसको अब हम स्टीम करेंगे। तो इस तरीके का हम एक प्लेट ले लेंगे और इसको हम ड्रेसिंग करेंगे घी से। अच्छे से ड्रेसिंग करना है ताकि इसमें मोदक जो है चिपके ना। तो देखिए हो गया,
चलिए अब इसमें हम मोदक डाल देते हैं। ये देखिए, तो चलिए अब हम इसको स्टीम कर लेते हैं। तो ये देखिए पानी जो है उबल गया है अच्छे से, और इसमें हम इसको डाल देंगे और इसे हम ढक देंगे और ढक के इसे 10-15 मिनट स्टीम होने देंगे। फ्लेम को हम थोड़ा मीडियम कर देंगे। तो 10-15 मिनट हो गया है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये देखिए ये बन करके बिल्कुल रेडी है और थोड़ा भी फटा नहीं है कहीं से। इसका मतलब ये है कि हमने जो आटा गूंदा है वो एकदम परफेक्ट गूंदा था। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो स्टीम मोदक बनकर तैयार है। मोदक की जो दूसरी रेसिपी है वो है फ्राई मोदक, और ये हम बिना मोल्ड के बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्राई मोदक की रेसिपी। तो चलिए एक और विधि बताते हैं हम आपको मोदक बनाने की। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप कैसे बनाएंगे वो मैं बताती हूँ आपको। इसमें थोड़ा सा आटा लगाएंगे, इसको हम बेल लेंगे। इसको अब हम ऐसे ऐसे इसमें डिजाइन कर लेंगे। ये देखिए इसमें अब हम भर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम बना लेंगे इसको। तो इसी तरीके से हम बाकी का भी बना लेंगे। इस तरह से पोटली नुमा बना के इसको ऐसे दबा देंगे। तो ये देखिए सारे मोदक जो है पोटली नुमा मोदक रेडी हो गया है। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है मोदक बनाने की तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से बना सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा बना है, और इसको हम स्टीम नहीं करेंगे, इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए मोदक तलने के लिए तेल जो है गर्म हो गया है, और इसमें हम डाल देंगे मोदक, और इसको हम सावधानी से डालेंगे इसमें, और इसे एक तरफ सेट होने देंगे। इसको अब हम पलट लेते हैं। इसे एकदम ब्राउन करना है। तो ये देखिए ये मोदक जो है अच्छे से फ्राई हो गया है, और इसको अब हम निकाल लेंगे। तो इसको हम निकाल लेते हैं। इसे
इसी तरह से बाकी के बचे मोदक को भी हम तल लेंगे। तो ये देखिए ये मोदक भी हो गया है और इसको हम निकाल लेंगे। मोदक बनके तैयार है। आप भी इस विधि से आसानी से मोदक बना सकते हैं, तो एक बार आप घर पे ये जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा मोदक ज़्यादा पसंद है। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।